हमारे साथ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़ गए हैं। मनजिंदर जी, आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे जो इंडिया टीवी पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को बीच में प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया, एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, पंजाब को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने यूको पहली बार चाल नहीं चली। मैं बार बार कहता आ रहा था, पिछले कई दिनों से मैं इस बात को कह रहा था कि कांग्रेस की एक वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत वो हम लोगों को इतना बदनाम करेंगे। आज कांग्रेस की सरकार ने जो कराया, ये पंजाब पुलिस से करवाया गया हुआ नहीं है। पंजाब पुलिस ने इसको इनिशिएट किया, इनको फैसिलिटेट किया और ऐसे लोगों को सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जिससे पंजाब के हालात बिगड़े, नुकसान हो। देश प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है, बड़ा एक स्पष्ट है कि कांग्रेस हमें पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती है। पर मुझे अफसोस इस बात का है, यही पाकिस्तान और आईएसआई चाहता है और यही पाकिस्तान आईएसआई की सोच कांग्रेस भी यही चाहती है। उसी तरह 1980 के दशक में भी पाकिस्तान और आईएसआई ने भी यही काम किया और कांग्रेस ने भी यही किया। क्या देश की एक पार्टी, नेशनल पार्टी, वो सब कुछ कर सकती है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहता हो? क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर सेंध लग जाए और देश के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और पंजाब पुलिस उसको इनिशिएट उसको फैसिलिटेट कर रही हो? ये हम लोगों को पूरे देश में बदनाम करने की साजिश है। मैं पंजाब के लोगों को हाथ जोड़कर आपके टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस की साजिश को समझिए। कांग्रेस हम लोगों को इतना बदनाम करना चाहती है 1980 के दशक की तरह, ताकि हम लोगों का जो निजी नुकसान होगा, कई सालों तक हमने कई पुश्तों ने हमारा ये नुकसान भुगता और दोबारा हमें उसी आग में डालना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल मनजिंदर सिंह जी, मैं तो ये जानता हूं कि पंजाब के लोग इतने दिलदार होते हैं, जो वहां पर गेस्ट आता है दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं। और देश का अगर प्रधानमंत्री वहां गया है, क्या उस गेस्ट को, क्या उस मेहमान को इस तरह से तिरस्कार कर सकते हैं पंजाब के लोग? नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब के लोग इस तरह के नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।